क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का नाम आगे आने से खेल पलट गया है? ये सवाल उठा है रॉयटर्स इप्सोस पोल के आंकड़े सामने आने के बाद। दरअसल इस पोल के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 2 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त मिली है, यानी इस पोल से कमला ट्रंप पर भारी पड़ती दिखी है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते के पोल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप के खिलाफ 2 परसेंटेज पॉइंट से पीछे रहे थे। बाइडेन के चुनाव से पीछे हटने के बाद ही कमला हैरिस का नाम आगे आया है। खुद बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था। इस बीच कमला ने दावा कर दिया है कि उनको डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। चलिए पहले आपको पोल के आंकड़े बताते हैं, फिर बाकी बातों से रूबरू कराएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक नया पोल सोमवार और मंगलवार को किया गया था। इस पोल के हिसाब से हैरिस को 44% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि ट्रंप को 42% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इस पोल का मार्जिन ऑफ एरर 3 परसेंटेज पॉइंट बताया गया है। रॉयटर्स ने बताया है कि पोल में शामिल करीब 80% डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने कहा कि वे बाइडेन को अनुकूल मानते हैं, जबकि हैरिस के बारे में यही बात 91% लोगों ने कही। इस बीच हैरिस ने मंगलवार को कहा, मुझे अपनी पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी समर्थन हासिल करने पर गर्व है। अगले कुछ महीनों में मैं देश भर में यात्रा करूंगी और अमेरिकियों से हर अहम चीज के बारे में बात करूंगी। मैं पूरी तरह से अपनी पार्टी और अपने देश को एकजुट करने और डोनाल्ड ट्रंप को हराने का इरादा रखती हूँ। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए मंगलवार को यह भी कहा कि नवंबर में होने वाला चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच चुनाव होगा। उधर कमला हैरिस का नाम आगे आने के बाद ट्रंप ने दावा कर दिया था कि उनके लिए बाइडेन के मुकाबले हैरिस को हराना और ज्यादा आसान होगा। 81 साल के बाइडेन ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान तब किया जब उनकी ही पार्टी से उन पर पीछे हटने का दबाव लगातार बढ़ रहा था, खासकर तब से जब कहा गया कि बाइडेन ट्रंप के साथ हुई डिबेट में कमजोर दिखे। बाइडेन की उम्र और उनकी सेहत को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही थी। हाल ही में उनको कोरोना वायरस से संक्रमित भी पाया गया था।